Hi, Janice. You know, I'm extremely upset. I mean, people can be so vicious sometimes. Just imagine, the other day, this really old friend of mine came up to me and she said, Nazi, tum kabhi kabhi, sometimes in your show, you become too bitchy. Imagine her saying that to me. I was so hurt. But you know, unlike our leaders, I do take public opinion very seriously. Isliye, I have decided that today I'm not going to be a bitcho, but I'm just going to bitcho. Darasal, mere haan log hi kuch aise aa rahe hain. Oh my God. Logon ke aane se pehle phone aane lagte hain. Excuse me for just a second. Hello? हाँ मेरी जान, मैंने पहचान लिया. सरसराती, पल खाती, मेरी रेशम बोल रही हो. स्मूथ एज सिल्क. कहो, क्या कर रही हो? बाय द वे रेशम, ही तुम्हें क्या हो गया है? फैशन शोज करने शुरू कर दिए हैं? अरे देखो, अपने इर्द गिर्द देखो जरा. रीमा हदायतकारा बन गई, मीरा बॉलीवुड की क्वीन बन गई, और तुम हीरोइन से रैप मॉडल बन गई. रेशम, कोई होश करो. नहीं जान, मैं डांट थोड़ी रही हूं, मैं तो समझा रही हूं. हाँ, जब फोन करो पता चलता है कि रेशम किसी फैशन शो के लिए इस्लामाबाद गई हुई है. क्या फिल्में बिल्कुल छोड़ दी है तुमने? हाँ 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 हाँ, याद है तुम्हारी फिल्म आई थी, वो क्या नाम था उसका, आखिरी फ्लॉप. हाँ, वैसे तुम तो जानती हो कि मुझे फिल्मों की नाकामी से बिल्कुल खुशी नहीं होती है, लेकिन इस फिल्म की नाकामी से मुझे बड़ी खुशी हुई. क्यों? वो इसलिए क्योंकि फिल्म के फ्लॉप होने से एक बड़ा फायदा यह हुआ कि फिल्म के हदायतकार से निजात मिल गई. कान पक गए थे उसके दावे सुन सुन के. क्या, तुम्हें कैसे खबर हुई कि मेरे यहां आज वो आ रही है? नहीं, शाहजी के साथ नहीं, अकेली ही आ रही है. क्या मतलब, ये नहीं हो सकता? हुआ है, होने वाला है, और मेरे ड्राइंग रूम में होगा. अच्छा चलो मेरी जान, अब चलो. नहीं, हाँ, आई एम स्टिल योर फ्रेंड. हाँ, अगर कोई हदायतकार अपनी हीरोइन को मोहब्बत करता है तो क्या गलत करता है? हाँ, एक वर्किंग पार्टनरशिप है जान. हाँ, तुम अपना बताओ. वैसे सुना है जब से तुम्हारा वो फ्रेंच कनेक्शन टूटा है ना, कोई मुंडा लाहौर दा तुम्हारे साथ साथ नजर आता है. कम ऑन रेशम, शर्माओ नहीं. अच्छा, मिलके बात करनी है. चलो ठीक है, बुलवा लूंगी बहुत जल्दी. हाँ, जब चाहो मेरी जान, जब चाहो. अपना बहुत ख्याल रखना, बाय. ओह माय गॉड. वैसे एक बात जरूरी कहनी है, हमारी फिल्मी हीरोइंस की इंटेलिजेंस सर्विस बहुत तेज है. I mean, अभी वो आई भी नहीं और इसको पहले ही खबर हो गई. आई थिंक द FBI शुड टेक अ फ्यू टिप्स फ्रॉम रेशम. आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट टाइम. यू नो, माय फर्स्ट गेस्ट टुनाइट इज अ वेरी स्पेशल पर्सन. मेरी बहुत पसंदीदा है. आप लोग तो जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती और खरी खरी बातें करती हूँ हमेशा. सच बुझ. It is so wonderful to have you here. You look absolutely ravishing, gorgeous. You look so beautiful, Saima. Thank you. मुझे इतनी खुशी हो रही है कि तुम मेरे यहाँ आई हो. आप जानती हैं मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ. मेरा यहाँ आपके ड्राइंग रूम में आना इस बात का सबूत है कि मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ और आपको बहुत पसंद करती हूँ. मैं जानती हूँ साइमा, और आई होप कि तुम भी ये जानती होगी कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हें कितना पसंद करती हूँ. समझ नहीं आता कि तुम्हें डाकू रानी बोलूँ या मजाजन बोलूँ. ये बताओ कि क्या हालचाल है, कैसी हो, क्या हो रहा है? आजकल तो अपनी फिल्म की कामयाबी को एंजॉय कर रही हूँ, मजाजन की, और हर तरफ से मुबारकें मिल रही हैं और बहुत खुश हूँ. है, वैसे वाकई जहाँ बाकी सारी लड़कियाँ पिट रही हैं वहाँ तुम हिट हो रही हो, माशाल्लाह. And what a phenomenal hit, darling. मैं तो बल्कि मुझे अपने व्यूअर्स को बताना ये बहुत ज़रूरी है कि अभी मैं लाहौर गई हुई थी. And Saima was a darling. She invited me to watch her film, and I actually had the pleasure of watching Majajan with Saima. Fabulous, fabulous, fabulous film, Saima. पहले तो मुझसे मुबारक बात कबूल करो. तुम्हें हमारी फिल्म की बहुत बहुत मुबारक हो. और फिर मुझे ये बताओ कि एज अ प्रोड्यूसर दिस इज योर
फर्स्ट फिल्म, तुम्हारी पहली फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर के तौर पे ज्यादा खुशी हो रही है या एज एन एक्टर ज्यादा खुशी हो रही है फिल्म की कामयाबी के साथ? मैं दोनों के हिसाब से बोलूंगी, क्योंकि प्रोड्यूसर के हिसाब से तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था, वो तो यकीनन अच्छा लगा, लेकिन एक्ट्रेस के लिहाज से मैं ये कहूँगी कि एक अरसे बाद इतनी बड़ी दाद मिली है और जिस तरह से मुबारकें मिली हैं उसकी बहुत खुशी है, बहुत मतलब तरस गए थे कि कोई हमें कहे कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी फिल्म बनाई है या बहुत अच्छा रोल किया है। और मजाजन में जिस तरह से लोगों ने पसंद की है जो मेरा किरदार और जो काम, और उसकी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि एक अरसे बाद फिर उसी तरह से जैसे डाकू रानी, चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ। तुम्हारी कुलीग्स का क्या रिएक्शन है? सबका बहुत अच्छा। हाँ, मुबारकें मिली, लेकिन दिल दिल में तो जलती होंगी ना? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है सायमा कि कभी कभी लोगों बहुत सारे लोगों के लिए किसी एक इंसान की कामयाबी को बर्दाश्त करना भी काफी मुश्किल हो जाता है, तो डरती तो नहीं नजर लगने से, हसद से लोगों की? नहीं, इसलिए कि मेरे दिल में चोर नहीं है। मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखती हूँ, इसलिए डरती भी नहीं हूँ। हाय, डरती तो खैर मैं भी नहीं हूँ। इस ताल्लुक से हम दोनों बहनें ही हुई फिर। लेकिन मजाजन की कामयाबी से लगता है दैट सिनेमा विल इंशाल्लाह बी रिवाइव्ड। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैंने एक अरसे के बाद जिस तरह मैंने देखा ऑडियंस को सिनेमा में, खासतौर पे लेडीज को, खवातीन जिस तरह आ रही है मजाजन को देखने, वो उस बात की मुझे बहुत खुशी है कि एक अरसे के बाद ये हुआ है कि सिनेमा में खवातीन आती नहीं थी। कुछ हमारी अपनी वजह है कि हमने उनके लिए फिल्म ही नहीं बनाई। एक ख़ास तबका है जिसके लिए फिल्म बनती है और उन्हीं के लिए बनाई है, तो मैंने ये सोच कर मजाजन बनाई है कि मेरी फिल्म को खवातीन देखने आए, और उन्होंने साबित कर दिया है, मजाजन देखकर ये साबित कर दिया है कि वो फिल्म देखना चाहती हैं, हमारी जो खवातीन हैं वो देखना चाहती हैं, उनके लिए अगर बनाई जाए साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाई जाए, तो ये मजाजन में मैंने देखा है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चे लेकर फिल्म को देखने आई हैं, तो मैं बड़ी मशकूर हूँ उनकी कि उन्होंने मुझ पर ये यकीन किया है कि मैंने अगर उनके लिए फिल्म बनाई है तो यकीनन वो अच्छी होगी, और उन्होंने आकर देखा। मैं मशकूर हूँ सब खवातीन की, बल्कि तुम्हारे सारे व्यूअर्स जो हैं वो भी तुम्हारे मशकूर होंगे कि तुमने इतने इतने अरसे के बाद पाकिस्तान को, यू नो, वी बैडली नीडेड अ गुड फिल्म एंड यू मेड दैट फिल्म। और डोंट डिप्राइव मैन, मर्दों को ना डिप्राइव करो। मैंने बहुत सारे मर्दों को भी मैंने खुद फ़ोन करके इन्वाइट किया, मखदूम साहब को मैंने फ़ोन किया था, चौधरी साहब को मैंने फ़ोन किया था, यू नो चौधरी साहब, इंतजाज़ एहसन, नॉट द अदर वन, उनको भी मैंने फ़ोन किया, सबको मैंने बोला उनको, मैं सबको साथ ले जाऊँगी फिल्म दिखाने के लिए। साथ इसलिए भी लेके जाऊँगी कि जब तुम स्क्रीन पर आओगी तो उनके तुम वो खुले के खुले रह जाएंगे, कोई तो होना चाहिए ना मुंह बंद करने के लिए। वैसे भी मुझे मर्दों के मुंह बंद कराने का बड़ा शौक है। अच्छा, यू आ दीवा, तुम पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्टार हो, लेकिन तुम्हारी कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आती कि मैं नंबर वन हूँ, मैं नंबर टू हूँ, मैं फलानी हूँ, मैं बिगेस्ट एक्ट्रेस हूँ, मैं फलानी हूँ। तुम, यू डोंट नीड टू से दैट, तुम कभी, तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हारा काम इस चीज़ की गवाही देता है। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरा काम ही इस चीज़ की गवाही दे, और अपने काम से मतलब रखती हूँ, नंबर वन नंबर टू के चक्रों में नहीं रहती, और यही चाहती हूँ कि हमेशा अपने काम से पहचानी जाऊँ, नंबरों से ना पहचानी जाऊँ, इसलिए कभी कहा ही नहीं। तुम्हारा पहला तजर्बा एज ए प्रोड्यूसर, माशाल्लाह, हम सब ने देखा और देख रहे हैं कि बहुत कामयाब रहा। अब मजीद फिल्में प्रोड्यूस करने का इरादा है? इंशाल्लाह। बाय द वे, आई हैव अ न्यूज़ फॉर यू जान, तुम तो जानती हो कि मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और तुम्हें पसंद भी करती हूँ। अब तुमसे मैं झूठ तो नहीं बोलूँगी, ना कोई बात छुपाऊंगी। शाहजी आए हुए थे कुछ दिनों पहले मेरे पास, पता नहीं उन्हें तुम्हें बताया कि नहीं बताया, मेरे पीछे ही पड़ गए कि बेगम साहिबा आपने मेरी फिल्म में काम करना है। मैं तो ना 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 करती रही, लेकिन बस उन्होंने मुझे मना ही लिया। अब ये ना पूछना कैसे मनाया, लेकिन
तो बताया शाहजी ने तुम्हें इस ये खबर दी कि नहीं दी अभी तक? आपको पता नहीं है शायद। क्या? उनको मैंने ही कहा था मेरी ख्वाहिश आपके साथ काम करने की। मेरी जान, मैं डर गई। मैंने कहा कहीं सामा इनसिक्योर ना हो जाए। नहीं, वो तो है आपके फैन, मैं उनसे ज्यादा हूँ। और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ बड़ी स्क्रीन पे परफॉर्मेंस करूँ और काम करें एक साथ दोनों बहनें। लेकिन साइमा, अगर मुझ पे 6 गाने हुए, क्योंकि मुझसे वादा कर चुके हैं 6 गानों का, और तुमने सिर्फ 1, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? नहीं मुझे। हाय मेरी जान। मैं कभी गानों के लिए लड़ी नहीं हूँ। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मुझे अच्छा रोल दें जो परफॉर्मेंस का हो। गाने के लिए मैं कभी कभी कहा ही नहीं, किसी को भी नहीं कहा। ना मुझे शौक है गानों का। किस चीज के लिए लड़ती हो सायमा? मेरी आजकल जो सेट्स पर लड़ाई होती है वो इसी बात पे होती है कि गंदा एक्शन नहीं करना, बल्गर शॉट नहीं देना, आजकल इसी बात पे होती रहती है। और इन्हीं चीजों से तंग आकर मैंने फिल्म बनाई है, एक साफ सुथरी फिल्म बनाई है, ताकि मेरे डायरेक्टर मेरे प्रोड्यूसर ये देखें कि ये हमारे सेट पर आकर नहीं लड़ती। इसने अगर खुद बनाई है तो खुद भी एक साफ सुथरी अच्छी फिल्म बनाई है। यू नो दैट इज सो ट्रू। और मैं अपने देखने वालों को भी ये बात कहूँगी जिन्होंने मजाजन अभी तक नहीं देखी, एक तो उनको सबको मैं इंसिस्ट करूँगी कि आप लोग जाइए और ये फिल्म ज़रूर देखिए। और जो इस फिल्म का हुसन है साइमा से है वो हुसन, लेकिन इस फिल्म का सबसे बड़ा हुसन यही है कि इस फिल्म के अंदर किसी किस्म की वल्गैरिटी, किसी किस्म की चीप कमर्शलिज्म को इस्तेमाल किए बगैर एक 100% एंटरटेनिंग फिल्म बनाने में साइमा कामयाब हुई। एंड आई थिंक अदर्स हैव अ लॉट टू लर्न फ्रॉम साइमा अबाउट फिल्म मेकिंग। साइमा, तुमने सुना होगा वो कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ है। मैं समझती हूँ कि हर कामयाब मर्द के पीछे जहाँ एक औरत का हाथ होता है, हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ सपोर्ट ज़रूरी होती है या ज़रूर होती है। तुम्हारे साथ तुम्हारी योर करियर में सैयद नूर की बहुत एक इम्पॉर्टेंट जगह है। व्हाट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप डू यू हैव विद शाहजी? ये सच है। आज मैं जिस मुकाम पर हूँ, जो अल्लाह ने मुझे इज्जत दी है, इसमें बहुत साथ है शाहजी का। आज मैं जो भी जो कुछ भी हूँ, मैं यही कहूँगी कि इसमें शाहजी का बहुत साथ है। ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री तुम्हारी, तुमने मोहम्मद राना के साथ भी काम किया, हिट फिल्में दी, अफशान के साथ भी बहुत एक हिट, एंड यू हैव एन अमेजिंग ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद बोथ दीज एक्टर्स। तुम्हें ज़्यादा कौन स्क्रीन पे अच्छा लगता है अपने साथ? वैसे तो दोनों ही अच्छे, मैंने दोनों के साथ ज़्यादा काम किया है, मोमी के साथ भी और शान के साथ भी, लेकिन शान के साथ मोमी से ज़्यादा किया है काम, और उसके साथ इतना काम किया है कि काम की हमारी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे के साथ काम करते हुए बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं, तो इस लिहाज से शान जो है वो बेहतर है। हाय बेचारा मोमी, उसका दिल ना टूट जाए। नहीं मोमी भी ठीक है, मैं उसकी बुराई नहीं कर रही, वो भी अच्छा है। मोमी टोंच पर ही जा, टोंच पर ही मैं हूं ना तुम्हारे लिए। बट दैट रिमाइंड्स मी, अभी हम जो फिल्म करने जा रहे हैं, मैं तो बड़ी सा कंफ्यूज हुई भी हूँ। साइमा के हीरो किस कौन होना चाहिए? मैंने तो शाहजी को कह दिया, मैंने कहा शाहजी आप खुद ही हीरो बन जाए मेरे, तो वो शायद माने ना माने। हु वुड यू सजेस्ट? नहीं वो मान जाएंगे। हाय, अगर हम दोनों साथ मिलके मनवाएंगे तो फिर तुमको मानना ही पड़ेगा। मान जाएंगे। वैसे शाहरुख खान के बड़े फोन आते रहते हैं, बड़ा मुझे कहते हैं कि बेगम साहिबा मुझे चांस देते अपने साथ अदाकारी करने का, लेकिन यू अंडरस्टैंड ना कि मैं बड़ी पेट्रियोटिक किस्म की लड़की हूँ, मुझे तो बस अपने मुल्क के लोग ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, तो फिल्में देखने का शौक है? फिल्में बनाती तो बहुत अमेजिंग हो। फिल्में बहुत कम, टाइम ही नहीं मिलता डे नाइट शूटिंग में, लेकिन मैं आपका ये प्रोग्राम नहीं मिस करती। लेट नाइट शूटिंग से आती हूँ, लेकिन जरूर देखती हूँ आपका ये प्रोग्राम, मिस नहीं करती। थैंक यू सो मच फॉर सेइंग दैट। तो फिल्म के लिए टाइम ही नहीं मिलता, बहुत कम। अपनी जो अच्छी हो, पता हो कि इसमें अच्छा काम किया है या स्टोरी अच्छी है उसकी, तो उसके लिए
जाती हूँ सिनेमा में, देखती हूँ। साइमा, इतनी सारी कामयाबी, इतना सारा सक्सेस, इतनी सारी फेम, अल्लाह का दिया माशाल्लाह सब कुछ है। मुझे बताओ कि अब साइमा क्या ख्वाब देखती है, साइमा जिंदगी से और क्या चाहती है? ख्वाब तो जिंदगी में बहुत सारे होते हैं, इंशाल्लाह ये साल दो साल काम करूंगी, उसके बाद घर बसाऊंगी। हे स्वीट, हे मैं भी सोचती रहती हूँ, मेरी तो आंखों में आंसू आ रहे हैं। मैं भी बहुत सोचती हूँ कि घर बसाऊंगी, लेकिन कोई ढंग का आदमी नहीं मिलता, सच्ची जिड़ी गल है। हाँ, इसी डर से फिल्म भी नहीं करती नूर साहब की, कि मैं किसी का घर नहीं तोड़ना चाहती। हु डिड यू एंजॉय, किसके साथ काम करने में मजा आया एज अ डायरेक्टर, और किसको अच्छा डायरेक्टर समझती हो तुम? इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ये सिर्फ मैं ही नहीं कहती, हमारी आवाम कहती है, हमारे इंडस्ट्री के लोग कहते हैं कि एक ही डायरेक्टर है सैयद नूर साहब। But that's true. और बाकी ठीक है, अपने अपने सबका अपना अपना अंदाज है, जो बेहतर समझता है उस हिसाब से काम करता है। नूर साहब का अपना एक स्टाइल है, अपना एक काम करने का अंदाज है, उन्होंने हमेशा इंडस्ट्री को चेंज दिया है काम के हवाले से, और मैं तो यही कहूँगी कि उनसे बेस्ट कोई नहीं है डायरेक्टर। कितने लोगों के तुमने दिल तोड़ दिए, कितने लोगों के दिल तोड़ दिए। हाय बेचारा परवेज राणा, सुदीप भट, हाय मैडम संगीता। हाँ, हाउ टू गेट ऑन विद संगीता, बाय द वे संगीता से कैसे ताल्लुकात हैं? बहुत अच्छे, बहुत काम किया उनके साथ भी, और बहुत अच्छी हैं। उनकी फिल्में देखने जाती हो? हाय, मुझे ना ये ना बताना कि पहले उन्होंने वैश्य सिन्हा तुम्हें ऑफर की थी। और तुम्हें जरूर ये कहकर इनकार कर दिया होगा कि मैं सिन्हा तो मैं हूँ लेकिन वैश्य नहीं हो सकती। नहीं, अच्छी हैं, वो भी अच्छी हैं, सब अच्छे हैं, अपनी अपनी जगह सब अच्छे। मुझे भी सब ही अच्छे लगते हैं, मैं बड़ी डिप्लोमेटिक हो जाती हूँ ना कभी। अच्छा ये बताओ कि सिर्फ फिल्में ही बना लेती हो कि खाने भी पका लेती हो? खाने नहीं पका लेती। नहीं पकाती? अरे बिल्कुल नहीं पकाती। नहीं। तो मुझे बुलाओगी अपने घर खाना खिलाने के लिए, तो क्या कहाँ से खाना, बाजार से मंगाओगी? नहीं नहीं, तब तक सीख लेती हूँ। हाँ कुछ सीख लो मेरे लिए। क्या पसंद है आपको? अरे पसंद तो मुझे सभी कुछ है। अच्छा। But I love Thai food. You know how it is. Very fond of Thais. I think they're such wonderful people, really. अच्छा, you travel a lot. Travel तो बहुत करती होगी? नहीं वैसे नहीं करती, फिल्म अगर बाहर हो कहीं आउटडोर जाना हो तो। कहाँ जाना अच्छा लगता है या कहाँ जाना पसंद आया, कौन सा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, किस मुल्क में? मेरा मलेशिया। मलेशिया, लड़की पंजाबन की शूटिंग वहाँ की थी, तो पूरा एक महीना वहाँ रही हूँ मैं। और बहुत इंजॉय किया वहाँ। वैसे साइमा, लाचा और वो फंसा फंसा शॉर्ट कमीज जो है वो, या बीबी फिरदौस पे सूट करती थी या तुम पे अच्छी लगती है? उफ जान, यू लुक सो अमेजिंग ऑन स्क्रीन, यू लुक सो ब्यूटीफुल एंड रैविशिंग। वैसे तुम्हें खुद को क्या पहनना अच्छा लगता है? मैं सिंपल शलवार कमीज। I love what you're wearing right now, by the way. इतनी खूबसूरत साड़ी, हाय इतनी हसीन साड़ी, तुमने तो मुझे कॉम्प्लेक्स ही दे दिया। मेरे घर आके मुझे कॉम्प्लेक्स दे दिया तुमने। इतनी प्यारी लग रही हैं आप, खुद इतनी अच्छी लग रही हैं। तुम अच्छी लग रही हो। इतना अच्छा लग रहा है, ये कलर सूट कर रहा है। थैंक यू सो मच। कहाँ से ली है साड़ी? ये मैंने लंदन से। अच्छा, इसका मैं कराऊंगी डिजाइन कॉपी। ये आपको चाहिए? हाँ मैं आपको मंगवा दूंगी। हाय मेरी जान, थैंक यू सो मच। फिर और क्या क्या मंगवा सकती हो वहाँ से? जो आप कहें। तुम्हारी आंखों की तरह तुम्हारा दिल भी बहुत खूबसूरत था। आज मेरे घर जैसा कि आप सब देख रहे हैं, साइमा आई बैठी है और मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती। शी इज ट्रूली एन एंजल, ट्रूली अ डीवा, रियली। साइमा, कुछ साल पीछे जाते हैं, यू नो द टाइम दैट यू वर्किंग, तुम सुल्तान राही के साथ पंजाबी फिल्मों में काम कर रही थी उस दौर में जब अंजुमन अपने उरूज पर थी और तुमने आकर अंजुमन से उनका तख्त जो है वो ले लिया, छीन लिया। अब हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस सुल्तान राही के साथ काम करने का, और वो जो एक ईरा था फिल्मों का, वो जो एक दौर था फिल्मों का, वो कैसा एक्सपीरियंस था? शुरू शुरू में वो तो मेरा स्टार्ट था,
और उस वक्त तो खुद नहीं पता था कि काम कैसे करना है या काम क्या होता है या कैमरे के सामने कैसे आना है। जो डायरेक्टर कहता था उस हिसाब से गेटअप कर लेते थे, उस हिसाब से मेकअप कर लेते थे। आज मैं अगर वो फिल्में देखती हूँ रईस साहब की, तो अपने आप को देखती हूँ तो हंसी आती है कि ये मैंने मेकअप क्या किया हुआ है या मैंने ये क्या ड्रेस पहना हुआ है। तो उस वक्त जो काम था एक तो खुद आता भी नहीं था क्योंकि शुरू शुरू नया नया था काम, जो डायरेक्टर कह देता था उस हिसाब से कर लेते थे। जैसे अगर हीरोइन ने उसको कह दिया वे सोनिया किथे चले हैं, तो वो पब्लिक एक हॉल में बड़के मारती थी कि सोना कह देता। तो ये लाइकिंग थी उनकी रईस साहब की, और मेरा कोई इरादा नहीं था अंजुमन के साथ या किसी और के साथ कोई मुकाबला नहीं था कि मैंने किसी को घर बिठाना है। साइमा, अपने अगले मेहमान को, ये कहानियाँ सच हैं क्या, कैसा माहौल है? यू ऑफ कोर्स तुम काम कर रही हो। माहौल इंसान खुद बनाता है, अगर इंसान खुद अच्छा है तो माहौल भी अच्छा बन जाता है, और बहुत अच्छा है माहौल। लेकिन वैसा नहीं है जो उनके दौर में था। सुना करते हैं कहानियाँ कि तब बहुत अच्छी दोस्तियाँ होती थी डायरेक्टर्स में, प्रोड्यूसर्स में, आर्टिस्टों में, जो कि अब नहीं है। अब अपना 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 काम करते हैं और घर के चले जाते हैं। लेकिन जो सीनियर है, जो माँ काम कर रहे हैं, वो उनसे ये सुनने में आता है कि पहले जो होता था काम यहाँ पे, तो बहुत अच्छी उनकी अंडरस्टैंडिंग होती थी और एक दूसरे से बहुत प्यार होता था, जो कि अब नहीं है। अब हो जाएगा ना जान, अब जब मैं शाजी की फिल्म करूंगी तो देखना कितना प्यार होता है। मैंने ये कहा कि तुम्हारा भी तो काफी दोस्ती थी बाबरा के साथ। You guys were very, very close. We were, और एक one reason जो मेरा और फैसल का affair short lived था was Barbara, because I can't share my man with anybody else. That's true. How are things between you and Barbara? We've kind of grown apart. जिस तरह कोई भी दोस्ती, कोई भी relationship जो है वो mature होती है, and then you go your own way. Sometimes you know it's best to part. But what kind of relationship did you guys have? We had a very happy, intense relationship. मेरी उससे बहुत ज़्यादा दोस्ती थी। I used to visit her, you know, very often. और and I must tell you, she's extremely, extremely intelligent and a very, very nice human being. लेकिन जिस तरह हम सबके क्वार्क्स होते हैं, मेरे भी हैं, तुम्हारे भी हैं, मुझे पता है सबके हमारे होते हैं, इस तरह बाबरा के भी क्वार्क्स हैं। उसको आप उसको स्पैनर पे रख के ये नहीं कह सकते कि जस्ट बिकॉज नोबडी इज परफेक्ट। मुझे ये बताओ कि मैंने ये सुना है कि जब तुम फिल्मों में काम करते थे तो तुम्हारी अम्मा तुम्हारे साथ जाया करती थी सेट पर, तुम्हारी हिफाजत करने के लिए। किससे बचाती थी, किससे खतरा था तुम्हें? I don't know. That is true के मम्मी मेरे साथ आती थी for what, about a year or 2 years I think मेरे ख्याल में। But then you know, I mean, I was very young, मैंने भी मैट्रिक भी नहीं किया था। I mean, you know, cute to me, abhi bhi, please. Of course you are, no doubt. But see, young and cute, young is a lethal combination. Now I'm old and cute. Ha, of course. But that can be lethal too, the other way. तुमने जावेद फाजिल के साथ भी फिल्में की हुई है ना? जावेद साहब को की मैंने की है दो फिल्में की। हाँ, एक मेरी एक्चुअली माय फर्स्ट प्रोडक्शन एज अ प्रोड्यूसर फिल्म जो मैंने धनक प्रोड्यूस की थी, उसमें मैंने जावेद साहब को डायरेक्टर लिया था और बहुत अच्छा उन्होंने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई। फॉर्चुनेटली नहीं चल सकी, लेकिन फिर मैंने नाराज की उनकी फिल्म, बहुत अच्छी फिल्म थी। रियली फिल्म, आई रिमेम्बर नाराज, आई रियली लाइक दैट फिल्म अ लॉट। फैसल, तुमने अभी तक शादी नहीं की? नहीं की। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की फैसल? इसलिए कि तुमने मुझे प्रपोज नहीं किया, ना तो मैं कर लेता हूँ। फैसल, प्रपोज भी मैंने करना था क्या? प्रपोज तुमने करना था। ओह शिट, यस। लेकिन मैं फिर भी ना करती। यू नो डार्लिंग, डार्लिंग, मैंने अपने आप को खराब थोड़ी करना है। शादी के बंधन में बंध कर, फंस कर, आई एम एंजॉयिंग माय फ्रीडम। अभी तो मैंने बात करी थी, बट यू नो फैसल, आई फील दैट ट्रू लव इज जेंटलेस, इट इज अबव जेंटल।
Do you agree with me on that? I agree 101%. Love has nothing to do with gender. You know, love is love. Love is much bigger than gender. And it has to, you know, come out of the gender ke jo wo clause se nikalna chahiye. Baaki mohabbat jo hoti hai wo gender se it's above gender. Sahmat tum itni badi star ho. तुम घर से निकलती हो, तुम लोगों से इंटरेक्ट करती हो, मिलती हो, लोगों का क्या रद्द अमल होता है, लोगों का क्या रवैया होता है तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा, अप्रिशिएट करते हैं फिल्मों को और काम को और बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छा रवैया होता है. फैसल जी, मेरी जान जी, फरमाएं. हाय, तुम्हारी व्हाइट जैकेट तो बहुत गजब की लग रही है. अच्छा, मैं कहने लगी हूँ कि तुम्हारी व्हाइट स्किन बहुत अच्छी लग रही है. हाँ, वो भी अच्छी. यू कैन शो मी सम मोर स्किन लेटर ऑन डार्लिंग. अभी तो हो ना 2 दिन मेरे पास. हाँ, मैं इधर ही हूँ. फिक्र मत करो, मैं इधर ही हूँ. अच्छा फैसल, योर ब्रदर, आई एम वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ. हाउ इज ही डूइंग? मुझे बड़ा शौक है डांस सीखने का. फसी से कहो मुझे सिखा दे प्लीज. मैं जरूर कहूंगा. तुम खुद फोन करके इसको कह दो. मेरा क्या नहीं क्या. मैं नेशनल टेलीविजन पे डिक्लेयर कर रही हूँ कि मुझे बहुत शौक है डांस सीखने का. प्लीज फसी रहमान को कन्विंस करें कि वो बेगम नवाज़िश अली को डांस सिखाए. फिर मैं भी साइमा के साथ फिल्म में आऊंगी. फिर जब मेरा नंबर आएगा तो फिर देखेंगे कि कौन किसको बिठाता है. तुम्हारी नहीं होती होगी आदत लोगों के साथ मुकाबले लड़ाने की, लोगों को बिठाने की, लेकिन मेरी बहुत आदत है ये सब कुछ करने की. बट एनीवे, व्हाट आर यू, व्हाट आर द थिंग्स फैसल रहमान दैट मूव यू? आई एम प्रैक्टिसिंग. वो कौन सा एक शो आता है इसमें समीना पी ज्यादा कुछ करती है ना, मुझे इतने हाथ दो. जब मैंने टच कर लिया तो हाँ, व्हाट मूव्स मी इज माय ओन डिजायर टू डू थिंग्स. आई डोंट get or try to get inspiration because nothing really inspires me that much because I'm basically a very boring person. Traveling actually is one of my passions, you know. Traveling I love. Pehle to main mulk se bahar bahut travel kiya karta tha apni jawani mein. Ab budhape mein main I like to travel in the country. Mujhe I love traveling in Pakistan, in places jahan log kabhi bhi nahi gaye, you know. Interior Sindh mein jane ka mujhe shauk hai. Mujhe, you know, frontier Punjab ke, you know, shehron mein, chote shehron mein. I love doing that, you know. I love the country life. Mera ye hai. You know Faisal, I'm very upset. Mujhe nahi pata tha ki tum is tarah ke bhi insaan ho sakte ho. Kis tarah ke? Matlab अपने बुढ़ापे का जिक्र करके तुम बूढ़ों का मजाक उड़ा रहे हो. किसका मजाक? तुम बूढ़ों का मजाक उड़ा रहे हो पूरे लोगों का. अच्छा अच्छा, तुम ये समझ रही हो कि मैं उनका मजाक, मैं तो अपना मजाक उड़ा नहीं, तुम उनका मजाक उड़ा रहे हो. तुम आप मुझे बताइए कहीं से बुढ़ापा आपको नजर आ रहा है? अभी एक साथ आ रहे थे ट्रेन पे तो एक खातून आई तो उसने यही सेम यही सवाल किया कि आप बूढ़े कब होंगे. नहीं, मुझे फिल्म वालों ने खुद रिटायर कर दिया. और वो एक होता है, हर जमाने का एक टाइम होता है. और ये, लेकिन आपको ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में आपको खुद भी कोशिश करते रहना चाहिए फिल्में लेने के लिए और इंटरेक्ट करने के लिए. मैंने खुद कभी नहीं कोशिश की, इसलिए कि शायद कुछ मैं खुद भी नहीं, यू नो, लेजी आदमी हूँ. आई एम अ वेरी लेजी पर्सन. मैं एम्बिशियस बिल्कुल नहीं हूँ, तो इसलिए मैं जब नहीं करना चाहता. नहीं, लेकिन अब हम दोनों कर रहे हैं एक साथ. जो कुछ मैंने रिसेंट जो फिल्मों में देखा है, कुछ गाने देखे मैंने, इनकी देखी. नहीं, मैं खुद बहुत फैन हूँ और आपकी फिल्में देखी हैं, बहुत पसंद है आपकी परफॉर्मेंस.
ये और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ काम करूं। नहीं इंशाल्लाह भी वैसे सच बताओ, मैंने कहा ये मेरा वाहिद आज पहला शो है जिसमें आज तक मैंने जितने शोज किए हैं जिसमें हम तीनों ही एक दूसरे के फैंस हैं। कितनी मोहब्बत है यहाँ पर बिखरी हुई है ना। नहीं मैं तो तुम्हारा फैन ही हूँ। हम तो हमारा तो एक जमाने मैंने भी तुम्हारा फैन अपने आप को नहीं बोल रही थी, मैं सायमा को बोल रही थी वो तुम्हारी थी। नहीं लेकिन तुमने मेरी पूरी हमारा आपस में कनेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है। अच्छा आई एम नाउ वेरी अपसेट विद यू टॉकिंग अच्छा खैर एनीवे टेल मी यू वर्क विद शान इन हिज फिल्म। यस एंड हाउ डिड यू फाइंड हिम एज अ डायरेक्टर एज एन एक्टर एंड एज अ ह्यूमन बीइंग। Shaan as a director, I think he's a very self-indulgent director. Directors जो हैं वो बड़ी neutrally आपको काम करना चाहिए, आप self-indulge नहीं कर सकते। That's what I think, maybe I'm wrong, but जो एक मैंने फिल्म की वापस आके जो काफी अरसे के बाद फिल्म उस फिल्म में the basic thing was that it on the papers it was a different film lekin jab wo cut ke samne aayi it was a totally different film you know and that is why I say actors jab directors bane to unko bahut dhyan se apne aap ko actor hona unko apne minus karna hota hai that is very difficult for an actor to do I think Shaan could not do it you know wo jis bhi wajah se tha you know he wanted to be on the screen most of the time which was the downfall of that film basically and lekin hota hai filmein chalti hain flop hoti hain koi aisi baat nahi hai khatam ho gayi baat koi itna as a person I do not know him very well because he's a very very closed person. Sabha, tumne Shaan ke saath bahut sara kaam kiya as an actor kaam kiya, tumne uski direction mein bhi kaam kiya. Faisal ne jo kaha would you agree with that, kya tum uske saath muttafiq hogi, kya wo hai apne aap se ishq mein mubtala hai? Hai aisa hai kyunki maine unke saath do teen unki apni filmein ki, usme maine bhi yahi baat dekhi. होना ये चाहिए कि जब आप खुद डायरेक्ट कर रहे हैं तो उसमें खुद ना आए और अगर आप आए हैं तो फिर आप अपने आप को चेक करते रहें कि मैं एक डायरेक्टर हूं, मैं एक्ट्रेस नहीं हूं, यू नो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू। आई काइंड ऑफ एग्री विद बोथ ऑफ यू ऑन दैट। मैं देखने गई थी रीमा की फिल्म कोई तुस्सा कहा, लेकिन उसका नाम कोई मुझसा कहा सा होना चाहिए था बिकॉज आई थिंक यू बोथ हैव अ पॉइंट देयर। अगर डायरेक्टर खुद ही स्टार भी है या एक्ट भी करे तो ऑब्वियसली ही और शी वुड बी सेल्फिश। सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, मेरे ख्याल में दिस इज अ वेरी बिग इनसिक्योरिटी ऑफ एनी आर्टिस्ट to be self indulgent that way, you know, you can't do it, you know, you I mean I think I you know personally I would not do it because I think it is not serving any purpose to that product that you're making. Us product ke sath zyadti ho rahi hai jo aap bana rahe hain, you know. Saima, it's so wonderful to have you here. मुझे इतनी खुशी हो रही है बारी बारी। आई एम स्टिल नॉट ओवर अगेन स्टेटमेंट, बेगम नवाज़िश अली हैज फॉलन इन लव, ट्रू लव विद साइमा। फैसल के साथ तो सिर्फ टाइम पास हो रहा है, यू नो आई थिंक ऑल मेन आर गुड फॉर, बट यू रिमेंबर वंस यू वर इन लव विद मी। हां वो शुरू शुरू की बात है, छोटे से बचपन की, शायद भूल कह लो उसको फैसल, माफ कर। नहीं मेरी जान, आई एम जस्ट बीइंग फिशियस, नो नो, बट यू सच अ जानू, यू नो, एंड द लेवल ऑफ कंफर्ट दैट हिम एंड आई हैव हैड, हमारा जो आपस में कंफर्ट लेवल है ना वो इतने मजे का कि मैं जानती हूं कि मैं उससे कोई भी बात कह सकती हूं। कहो ना और भी कहो कोई बात कह दो कुछ कह दो आज साइमा। मेरे देखने वालों को अपने सब मदाहों को के लिए कोई पैगाम कोई बात कहना चाहोगी? यही कहूँगी कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसको जितना चाहे भरपूर जिया जाए और खुशियाँ बांटनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, अच्छी सोच रखनी चाहिए, इसमें लड़ना झगड़ना ये सब भूल जाना चाहिए, यही कहूँगी। Right, that's a wonderful thought. लेकिन आप खुद भी ना लड़े हो ना, दूसरे आपसे जबरदस्ती आके लड़े होते हैं, उसका क्या करें मतलब? उसको avoid करने हैं। हाँ, that's the way to do it. Exactly. Anything you'd like to say to my viewers? I think your viewers are my viewers as well. I think viewers should know that life is, again, just as Saima Sahiba ne kaha, life is very short. Never think about the past. Never think about the future. Just, you know, be good to everybody and to yourself first. Apne aap se, you know, be good to yourself and have a good time
all the time. Only should you should look for good times in your life, and then you will look like me at my age. You know, you're right. We should all look for good times. But good times, people keep looking for me all the time. Jab dekho unke photographers aake meri tasveer chhap chhap ke apne magazine mein dalte rehte hain. So, like, I'm sick and tired of these social pages and gossip and all of that. I think Faisal, main tumhare saath aur Saimat. आप दोनों के साथ चलती हूँ अभी वापस लाहौर. आई थिंक आई नीड अ ब्रेक. आई नीड टू बी इन लाहौर. यू कैन टेक मी फॉर बेनजीर कुल्फी एंड यू कैन टेक मी फॉर दोस गोलगप्पास. वी कैन गो टू लिबर्टी. वी कैन गो टू फूड स्ट्रीट. ऑफ आई एम सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. आई दैट बी लवली. हां, वी ऑल हैंग आउट टुगेदर. फिर इसका हम रोल भी बैठ के खुद सब मिलके डिजाइन करेंगे. बड़ा अच्छा सा इसको रोल्स बहुत पसंद है. अच्छे लगते हैं. थैंक यू. थैंक यू फैसल. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. Yeah. On my show, Saima, it was absolutely delightful. Absolutely delightful having you. Bahut bahut shukriya. Unfortunately, I'm going to be very kya kehna chahiye, selfish. Not selfish actually, but unfair to you guys right now, because hamari mehfil to bhi jami rahegi aur abhi hum bahut sari baatein ek dusre ke sath karne wale hain mazid. Lekin unfortunately mere program ka waqt khatam ho raha hai, so I'm going to take your leave until next week, when I'll be back with two very exciting personalities. I'm sure ki aapko aaj ke mere dono mehmanon se milke bahut khushi hui hogi. Apna